राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे फेमस राजस्थानी गट्टे की सब्जी। जिसके लिए हम सबसे पहले गट्टे बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये आधा कप बेसन लिया है। ये मैं दो लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। आपको ज़्यादा बनानी है तो उसी हिसाब से आप इसके सामान को डबल कर दें, ठीक है। इसमें हम एक चुटकी नमक डालेंगे और एक चुटकी हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और एक चुटकी हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे, बिल्कुल एक चुटकी। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे, छोटी चम्मच हम इसमें दही डालेंगे, सब चीजों को मिक्स करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, और हम इन गट्टों को बॉईल कर लेंगे पानी में। तो वो पानी मैंने बॉईल करने रख दिया है। अब हम इसका थोड़ा सा टाइट आटा लगाएंगे, जी मैंने पहले ही बताया कि मैं दो कटोरी सब्जी के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप ज़्यादा इसी हिसाब से बनाएं। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। ये थोड़ा ही देर बाद थोड़ा सा सूख जाएगा, अभी आपको पतला लग रहा है, थोड़ा सा चिपकेगा, इसलिए हाथों में ऑयल लगा लें। देखिए ये हो गया, थोड़ा सा ऑयल लगा के ये देखिए ऐसे बन गया। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ ले और ऐसे पतले पतले से स्ट्रिप्स ऐसे बना लेंगे हम लंबे लंबे, जिनको हम फिर उबलते हुए पानी में डालेंगे। और पानी मैंने बॉईल करने रख दिया पहले से ही, और जिस पानी में हम इनको बॉईल करेंगे उस पानी को निकालने के बाद, ये गट्टों को निकालने के बाद पानी को फेंकेंगे नहीं, पानी को हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ये देखिए ये तैयार है। और दो लोगों की सब्जी के लिए आधा कप बेसन के गट्टे बहुत परफेक्ट रहते हैं। ये बॉईल हो रहा है, अब इस पानी में हम इनको डाल देंगे। बस अब ये जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक हम इनको छेड़ेंगे नहीं। इनके ऊपर आने के पानी में जब ये तैरने लगेंगे तब इसका मतलब हमारे गट्टे तैयार हैं, फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये हमारे गट्टे ऊपर आ गए तैर के, इसका मतलब ये बस हो गए। देखिए कितनी जल्दी हो गए, सिर्फ 2 मिनट लगे और हमारे गट्टे एकदम पक्कर तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए, और इस पानी को हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। देखिए अब इनको ठंडा होने के बाद इनको पीसेस में कट कर लेंगे, जितने बड़े गट्टे आपको चाहिए। गट्टों को हम ऐसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आपको बड़े पीस चाहिए तो बड़ों में काट लें। और कढ़ाई में तेल गरम करने मैंने रख दिया है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम किया है। आप चाहें तो रिफाइंड में भी कर सकते हैं या घी में, जो आपको चॉइस हो। देखिए सिर्फ आधा कप बेसन के हमारे इतने सारे गट्टे बन गए, तेल भी गरम हो गया है। और ये 1 छोटी चम्मच पचफोरन है, जिसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी और राई है, ये हम डालेंगे। और एक छोटा टुकड़ा साबुत लाल मिर्च का, अब इसमें मैं ये हरी मिर्च डाल दूंगी कटी हुई, 1 हरी मिर्च डाल दी मैंने कटी हुई,
और ये एक छोटा प्याज है बारीक कटा हुआ। प्याज आप डालना चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे हम। हल्दी पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है, भूनेंगे। नमक हम बाद में डालेंगे क्योंकि हम इसमें दही डालना है, तो इसलिए दही की चीजों में नमक आप हमेशा बाद में डालें। अब इसमें ये गट्टे डाल देंगे, गट्टे डाल के थोड़ी देर हम भूनेंगे गट्टों को मसाले के साथ। एक मिनट तक हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और गैस बिल्कुल धीमी करके ये आधा कप दही डालेंगे। बस अब कंटिन्यू हम चलाएंगे क्योंकि दही हमारी फट जाएगी। अब इसकी ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी पतली रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मेरे घर में इसको थोड़ा पतला अच्छा लगता है, पतली ही पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी पतली करूंगी इसको। ये देखिए थोड़ा सा और, क्योंकि अभी ये उबाल लेगी और उबलेगी तो पानी और सूखेगा इसका, तो और गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे और एक बॉयल आने देंगे इसमें। आँच तेज कर देते हैं और बॉयल आने देते हैं। आने लग गया है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे, अब हमारी सब्जी फटेगी नहीं। थोड़ा सा और चलाएंगे, चलाते चलाते देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने इसमें एक छोटी चम्मच नमक डाला है। और ये एक छोटी चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, बस अब इसको अच्छे से उबलने देंगे जिस तेल ऊपर आने तक। 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। एक छोटी चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, देखिए सब्जी हमारी तैयार है। थोड़ी देर और बॉईल होने देते हैं। तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तैयार है टेस्टी चटपटी मसालेदार राजस्थान की स्पेशल गट्टे की सब्जी। तो आप बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।